सर्दियाँ आते ही दोस्तों हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा फटने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रुके रुके हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही मैजिकल का रेमेडी शेयर करूँगी। सिर्फ दो बार के इस्तेमाल से ही आपके जो फटे एरिया होंगे, फटे पैर होंगे, वो आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और सॉफ्ट और मुलायम होंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूँ श्रुति, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सर्दी के मौसम में हमारे स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ड्राई हमारे एरिया हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। बहुत सारे लोगों के देखिएगा कि एरिया से ब्लीडिंग भी निकलने लग जाती है और बहुत ही पेनफुल होता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ, सिर्फ आपको दो बार इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप देखिएगा आपकी जो फटी एरिया होंगी वो एकदम ठीक हो जाएंगी और आपके जो पैर होंगे वो सॉफ्ट और मुलायम होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट इसे बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को इस टाइप का एक कंटेनर ले लेना, आप कोई भी इस टाइप का पैन ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल दोस्तों बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए। पुराने ज़माने से लोग सरसों का तेल का इस्तेमाल करते थे, ये हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाने लगता, मुलायम बनाने लगता, साथ ही साथ आपकी जो एड़ी फट जाती है, जो पेनफुल हो जाता है, उसके दर्द को भी वो कंट्रोल करता है। तो हम लोग को यहाँ पर कम से कम 2 से 3 चम्मच यहाँ पर ले लेना है सरसों का तेल। आप यहाँ पर क्वान्टिटी देख लीजिएगा, क्वान्टिटी आप जितना सरसों का तेल डालिएगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर आगे क्वान्टिटी मेनटेन करना होगा। तो मैं यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल ले लूंगी। यहाँ पे गैस को हम लोग को लो फ्लेम पे ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी वैसलिन का। वैसलिन दोस्तों आप मार्केट में बहुत ही आपको इजीली मिल जाएगा। यह हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, हमारे स्किन को फेयर बनाता है, सॉफ्ट बनाए रखता है, मुलायम बनाए रखता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें पेट्रोलियम जेली पाया जाता है, जो हमारे फटे एरिया को सॉफ्ट और मुलायम बनाने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम लोग यहाँ पर लगभग 1/2 चम्मच ले लेना है वैसलिन। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी कैंडल का। कैंडल आपके घर में कोई भी होगा, मेरे घर में ये बच्चे वाली कैंडल पड़ी हुई थी तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी मैं यहाँ पे लूँगी, जिस क्वांटिटी का मैं यहाँ पे कैंडल यूज़ करी उतना ही आप यहाँ पे कैंडल ले लीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर इसे डाल देना है। डालने के बाद हल्का सा धुआं निकलेगा, तो आप डरिएगा नहीं, आराम से इसे डाल के और हल्के हल्के आप मेल्ट कर लीजिएगा। देखिएगा तुरंत ही ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। दोस्तों मैं जो रेमेडी बता रही हूँ ये कोई खास रेमेडी नहीं बता रही, मेरी जो दादी नानी थी वो भी अपने पैरों पे यही इस्तेमाल करते थे, कोई महंगे महंगे क्रीम नहीं इस्तेमाल करते थे और सिर्फ 2 दिन में ही उनके जो फटी एरिया होती थी वो ठीक हो जाती थी। तो मैंने यहाँ पे इसे हल्का ठंडा कर लिया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस टाइप का आप कंटेनर ले लीजिए, उसके बाद इसे डाल देना। एकदम गर्म गर्म मत डालिएगा वरना आपका जो कंटेनर हो सकता है वो आपका फट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे हल्का ठंडा करने के बाद इसे यहाँ डाल दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे ऐसे ही छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद देखिएगा ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा मैजिकल क्रीम बन के रेडी हो गया। आपकी जो फटी एरिया है उसे सॉफ्ट बना रखता है, मुलायम बना रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हमें से अप्लाई कैसे करना। हम लोगों को क्या करना है, रात को सोने से पहले या दिन भर में कभी भी, अगर आपकी एरी बहुत ज़्यादा फट गई है तो दिन भर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप रात को सोने से पहले इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले लीजिए और अपने पैरों पे इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए। आप चाहे तो इसे अपने हाथों में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा फटे फटे रुखे रुखे लग रहे हैं तो आप इसे अपने हाथों में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको अपने पैरों पर अप्लाई करके दिखला रही हूँ। इसे अच्छी तरह से हम लोग को यहाँ पर लगा लेना है, साथ ही साथ आप इसे अपने एड़ी पर भी लगा लीजिए। जहाँ का भी आपका स्किन ड्राई हो गया है, रुखी रुखी हो गई है, एड़ी अगर बहुत ज़्यादा फट गया है तो इसे ले कर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और अच्छी तरह से आपको 2 मिनट के लिए मसाज करना है। इससे क्या होगा, जो ये क्रीम बन के रेडी हो या आपके पैरों के अंदर जाएगा और आपके पैरों को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगा। दोस्तों इस रेमेडी को बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, अंकल आंटी सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ 2 दिन आप इसे इस्तेमाल करके देखिए दोस्तों, आप खुद देखिएगा इसकी रिज़ल्ट देख के आप चौंक जाएंगे, बहुत ही मैजिकल है। मेरी जो दादी नानी थी वो भी इसे अपने ज़माने में इस्तेमाल करते थे और उन्हीं से मैंने ये सीखा है, तो मैं भी इसे ठंडी में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। इसे बना के स्टोर करके मैं ये रख लेती हूँ कम से कम 15 दिन के लिए और रात को सोने से पहले इसी तरह से अपने पैरों पर हाथों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोगों को क्या करना, आप इसके ऊपर सॉक्स पहन लीजिए ताकि आपके जो बिस्तर है वो ख़राब ना हो।
इससे आपके क्या होंगे, पैर भी सॉफ्ट रहेंगे, मुलायम रहेंगे और आपके बिस्तर भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से सॉक्स पहन लिया है। उसके बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। सिर्फ दो दिन में ही आप देखिएगा आपकी जो फटी एरिया होगी वो आपके गायब हो जाएंगे और आपके पैर जो होंगे वो सॉफ्ट और मुलायम होंगे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ इसी तरह से हेल्पफुल रेमेडी साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर।